हे एवरीबडी दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि अब एसएससी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने लग जा लग गया है मतलब हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के सभी फेस्टिवल यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से कोई भी महत्वपूर्ण त्यौहार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सारे स्टेट मैंने इस वीडियो में कवर करे हुए तो इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है आप इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं एक या दो पेजेस में आपके सारे फेस्टिवल कवर हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप उनको रिवाइज कर सकते हैं सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है उनको कवर करेंगे फिर हम साउथ के करेंगे एंड देन हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कवर करेंगे सबसे पहला स्टेट है आपका मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल है सबसे पहले आता है तेजाजी फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मालवा उत्सव मालवा जो प्लेटू है ये आपको पता होगा कि हमारे मिडिल में पाया जाता है यानी कि हमारे भारत के मिडिल जो स्टेट है वहां पे फैला हुआ ये प्लेटू है मध्य प्रदेश में इसका मेन पार्ट है तो मालवा प्लेटू से आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश में है है तो ये फेस्टिवल भी आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता फिर आता है खजुराहो खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है हमारा वो कहाँ पे है वो है आपका मध्य प्रदेश में किसने ये बनाया था ये क्वेश्चन भी पूछता है तो चंदेल के जो शासक थे उनके द्वारा खजुराहो टेम्पल बनाया गया था तो ये कहाँ पे है आपका ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में कुंभ मेला आपका मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है कुंभ मेला से हम कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है तो हर बारह साल में लगने वाला एक फेस्टिवल है कुंभ मेला बहुत ही ज्यादा भीड़ इसमें इकट्ठा होती है चार जगह भारत में ये लगता है कौन कौन से वो चार पहले आपको स्टेट पता होनी चाहिए और पर्टिकुलर जगह भी पता होनी चाहिए तो मध्य प्रदेश में लगता है उत्तर प्रदेश में लगता है उत्तराखंड में लगता है और महाराष्ट्र में लगता है ठीक है अभी हम फिलहाल मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे लगता है ये लगता है आपके उज्जैन में ठीक है और ये भी पूछता है कि जहाँ पे आपका कुंभ फेस्टिवल उज्जैन में लगता है वो कौन सी नदी के किनारे है तो ये हो जाएगा आपका नदी के किनारे ठीक है बाकी जो और है वो मैं आपको स्टेट के साथ साथ बताते चली जाऊंगी अगला आता है आपका तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ठीक है जो तानसेन है वो कहाँ से रिलेटेड है आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल भी आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है ये जो अकबर के नौ रत्न थे उनमें से एक हुआ करते थे तानसेन तो उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं की याद में फेस्टिवल फेस्टिवल मनाया जाता है 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 जिसका नाम तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। अगला आता है फेस्टिवल तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है आप सबको याद रखेंगे क्योंकि मैंने सिर्फ आपके लिए रखे हुए हैं अगला स्टेट आता है हमारा उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड में सबसे पहले आएगा कुंभ मेला जैसे ही मैंने आपको बता दिया था उत्तराखंड में कहां पे लगता है ये हरिद्वार में लगता है ठीक है और हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे है तो ये है गंगा नदी के किनारे तो यहाँ पे आपका कुंभ मेला लगता है फूलदेही त्यौहार आपका उत्तराखंड में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है आपको पता होगा फूलों की घाटी जो है चमोली वो हमारे उत्तराखंड में ही है तो इसी से रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं कि जो फूलदेही त्यौहार है आपका उत्तराखंड में मनाया जाएगा हरेला जो पर्व है ये भी अगेन उत्तराखंड में मनाया जाता है एक हरेली भी होता है वो आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है तो ये दो अलग अलग त्यौहार हैं दो अलग अलग स्टेट से रिलेटेड है तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है हरेली छत्तीसगढ़ का हो जाएगा और हरेला हमारे उत्तराखंड का हो जाएगा अगला आता है बिहार बिहार का सबसे फेमस जो फेस्टिवल है वो हो जाएगा आपका छठ पूजा फिर आता है बिहुला, एक कलरा बर्ड फेस्टिवल वहां पे मनाया जाता है और फिर आता है आपका उद्यान फेस्टिवल तो इन सबके आप नाम याद रखेंगे डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा तो आप इसके आंसर कर पाएंगे अगला आता है हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल हल्दा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है ये एक लाइट फेस्टिवल होता है यानी कि सिमिलर टू दिवाली होता है जैसे दिवाली मनाई जाती है दिवाली एक लाइट का फेस्टिवल होता है इसी तरीके से हल्दा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है एक और महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वहाँ का गोची फेस्टिवल इसको बोला जाता है तो ये भी आप याद रखेंगे ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाएगा अगला स्टेट आता है पंजाब और पंजाब के जो फेस्टिवल है उनसे आई होप आप रूबरू होंगे क्योंकि तो आप सारे सुने हुए फेस्टिवल है पहला जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल है यहाँ का वो होता है होला मोहल्ला त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है फिर आता है गुरुपर्व ठीक है तो ये मनाया जाता है जो सिखों के दस गुरु थे उनके जन्म दिवस पर ये सेलिब्रेट किया जाता है इसका नाम है गुरु परब मतलब बहुत सारे मनाए जाते हैं क्योंकि दस गुरु हुए हैं तो सबके जन्मदिवस पर ये मनाया जाता है मेन होता है जो मेन फेस्टिवल मनाया जाता है वो गुरु नानक जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ठीक है आपको याद रखना है मनाया कहाँ पे जाता है तो ये पंजाब से एसोसिएटेड हो जाएगा लोहरी यहाँ पे मनाई जाती है और बैसाखी बैसाखी वैसे आपके जो नॉर्थ इंडिया है बहुत सारे स्टेट इसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन मेनली जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है पंजाब में अगला आता है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के दो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसमें से कि एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो हो जाएगा इसका नाम है ट्यूलिप फेस्टिवल ठीक है तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ट्यूलिप एक प्रकार का फ्लावर होता है तो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल वहां पे मनाया जाता है और एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको तो वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलेगा और जम्मू एंड कश्मीर में अगर उसका नाम पूछेगा तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन उसका नाम हो जाएगा जो की एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है फिर आता है आपका शिकारा फेस्टिवल तो ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हो जाएगा अगला आता है लद्दाख का फेस्टिवल जिसका नाम है हेमिस फेस्टिवल यहाँ पे आपका इकलौता और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हेमिस फेस्टिवल हेमिस नेशनल पार्क आपने सुना होगा ठीक है हेमिश नेशनल पार्क आपने सुना होगा तो ये कहाँ पे ये भी आपका लद्दाख में हो जाएगा और ये फेस्टिवल भी आपका लद्दाख में हो जाएगा जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है ये भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अगर तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है तो ये हेमिस हो जाएगा और स्मोलेस्ट की बात करें तो ये कौन सा है ये आपका साउथ बटन नेशनल पार्क है जो कि आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा तो ये भी आप साथ साथ यहाँ से याद रख सकते हैं मैंने आपको बता दिया अगला आता है गुजरात तो गुजरात का फेमस फेस्टिवल है उत्तरायण इसका नाम है ये गुजरात में मनाया जाता है और अगला आता है आपका कच्छ उत्सव या इसको रण उत्सव भी बोला जाता है कच्छ उत्सव बेसिकली वहां पे एक जिला है कच्छ जिसका नाम है तो वहीं पे ये मनाया जाता है जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला तो वहीं पे आपका कच्छ उत्सव मनाया जाता है ठीक है सबसे बड़ा जिला आपको यहाँ से याद रखना है सबसे छोटा जिला की बात करें सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भारत का कौन सा है जिसका नाम है माहे ठीक है दोनों चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे अगला आता है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फेस्टिवल ये हो जाएगा फिर आता है आपका गणेश उत्सव ठीक है ये भी आपका महाराष्ट्र में मनाया जाएगा और एक और आता है जो इसमें ऐड नहीं हो रखा है ये आपका कुंभ मेला ठीक है कुंभ मेला कहाँ पे यहाँ पे लगता है तो वो लगता है आपके नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है और नासिक कौन सी नदी के किनारे ये क्वेश्चन भी पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे जो कि ऑब्वियसली महाराष्ट्र में बहती है अगला आता है छत्तीसगढ़ स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट का एक फेस्टिवल है बास्तार दशहरा इसको बोला जाता है ये आपका वहां पे 75 डेज तक ये दशहरा सेलिब्रेट होता है तो देख सकते हैं कितने दिनों तक ये चलता हुआ फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है अगला जो फेस्टिवल है पे हरेली हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था एक होता था हरेला जो की हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड था लेकिन हरेली आपका हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो जाएगा दो अलग अलग स्टेट से ये हो जाएंगे तो आप यहाँ से याद रखेंगे अगला आता है वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है दुर्गा पूजा ठीक है ये माँ दुर्गा के उसमें मनाया जाता है माँ दुर्गा के लिए डेडिकेटेड फेस्टिवल हो जाएगा दुर्गा पूजा इसका नाम हो जाएगा ठीक है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है अगला आता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला सबसे फेमस है और रामनवमी यहाँ पे मनाई जाती है रामनवमी अगेन हमारे जो नॉर्थ स्टे, नॉर्थ स्टेट है नॉर्थ की जो स्टेट है वहां पे सेलिब्रेट की जाती है लेकिन मेनली अगर आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ही देगा तो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा कुंभ मेला यहाँ पे कहाँ पे मनाया जाता है तो अलाहाबाद में कुंभ मेला मनाया जाता है ठीक है और कौन सी नदियां यहाँ पे बहती हैं तो गंगा और यमुना दो नदियों के संगम पर आपका इलाहाबाद है वहीं पे आपका कुंभ मेला लगता है ठीक है अगला आता है झारखंड स्टेट झारखंड स्टेट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो कि बच्चों को नाम भी बहुत कम पता होता है इसका रोहिणी फेस्टिवल हो जाएगा तो ये यह आप यहाँ से याद रखेंगे करम उत्सव और तुसु फेस्टिवल ये झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो आपको याद रखने अगला स्टेट राजस्थान 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 का जो बूंदी फेस्टिवल है ये बहुत ज़्यादा फेमस है ठीक है तीज तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा बहुत ही कॉमन फेस्टिवल ही हो जाएगा और कैमल फेस्टिवल क्योंकि कैमल से तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं राजस्थान से रिलेटेड ही होगा तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर पाएंगे ऑप्शन एलिमिनेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि कैमल आपके राजस्थान से रिलेटेड है और ये फेस्टिवल भी राजस्थान का हो जाएगा फिर आता है आपका रथ यात्रा ठीक है जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकलती है वही उड़ीसा की

ओनम कौन से स्टेट से रिलेटेड हो जाएगा तो ये आपका केरल का फेस्ट, फेस्टिवल है और इस तरीके से फूलों से रंगोली की जाती है इस फेस्टिवल में तो ये आपका केरल हो जाएगा और एक और होता है पे विशु फेस्टिवल इसका नाम है है जो कि आपका केरला में मनाया जाता ठीक है तमिलनाडु के सारे फेस्टिवल आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको ये तो याद रखना है क्योंकि जो नॉर्थ के फेस्टिवल होते हैं वो हमें कॉमनली पता होते हैं लेकिन जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारे हो जाएंगे वहां के फेस्टिवल आपको एग्जामिनेशन में पूछता है तो उनको आपको सारों को याद रखना है मतलब उनको स्किप नहीं करना है तमिलनाडु के पहले और महत्वपूर्ण फेस्टिवल की बात करें तो पोंगल हो जाएगा जलीकट्टू भी यहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है इस तरीके से आप देख सकते हैं बुल फाइटिंग इसमें करवाई जाती है इसका नाम ही है जलीकट्टु पोंगल और जलीकट्टू से आपके इसी में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है फिर आता है थाईपुसम फेस्टिवल तो ये भी अगेन आपका तमिलनाडु का फेस्टिवल हो जाएगा अगला आता है नत्यांजलि फेस्टिवल ठीक है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है तो नत्यांजलि फेस्टिवल का नाम हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है अगला आता है तेलंगाना तेलंगाना के दो फेमस फेस्टिवल है बोनालो और बातू खम्मा इन दोनों को तो इनफैक्ट एस एस जो है आपका एक साथ ही पूछ लेता है कि बोनालो और बातू खा कौन सी स्टेट से रिलेटेड है तो दोनों आपके हो जाएंगे तेलंगाना से रिलेटेड तो आपको यहाँ से याद रखना है ठीक है अगला आता है हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का ब्रह्मोत्सव पहला फेस्टिवल हो जाएगा जो कि महत्वपूर्ण है उगाड़ी फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है और तीसरा आता है दशहरा ठीक है तो ये फेमस तीन फेस्टिवल आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाएंगे अगला स्टेट आता है हमारा कर्नाटका कर्नाटका का पहला फेस्टिवल हो जाएगा आपका कंबाला बफेलो ये बफेलो से रिलेटेड ये फेस्टिवल हो जाएगा तो कंबाला बफेलो इसका नाम हो जाएगा और अगला आता है मैसूर दशहरा ठीक है सिर्फ दशहरा हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा लेकिन अगर मैसूर दशहरा बोलेगा तो कर्नाटका से रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि तो आपका मैसूर कर्नाटका में है तो ये आपको अंडरस्टूड हो जाएगा अगला आता है नागालैंड नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल ठीक है और अगला है आपका मोआसू फेस्टिवल दोनों आपके नागालैंड में मनाए जाते हैं और जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे आपको एक एक दो दो फेस्टिवल है जो महत्वपूर्ण है और मैंने वही आपके लिए रखे हैं जो कि महत्वपूर्ण है तो ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है दो फेस्टिवल भी बहुत होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वही यहाँ पे रखे गए हैं असम की बात करें तो अम्बुबाची बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ये पूछते हैं आपको कि अम्बुबाची फेस्टिवल कौन से स्टेट में है या अम्बुबाची फेस्टिवल कौन से टेम्पल में लगता है तो ये असम का एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या देवी टेम्पल तो ये आपका असम से रिलेटेड हो जाएगा या पूछेगा कि कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पे स्थित है तो ये असम में हो जाएगा और यहाँ पे लगता है आपका अम्बुबाची का मेला फिर आता है भोगाली बिहू तो बिहू से रिलेटेड तो खैर कोई भी क्वेश्चन हो चाहे वो आपका डांस से रिलेटेड हो चाहे वो आपका फेस्टिवल से रिलेटेड हो सारे आपके आसाम से हो जाएंगे क्योंकि बिहू वहां पे मनाया जाता है और वहीं का बहुत ज्यादा फेमस आपका लोक नृत्य हो गया या फिर आपका फेस्टिवल हो गया तो बोगाले बिहू इसका नाम है जो कि आपका आसाम में मनाया जाता है ठीक है अगला स्टेट आता है मेघालय मेघालय का फेमस जो फेस्टिवल है चेरी ब्लूसम फेस्टिवल इसको बोला जाता है ठीक है तो ये आपको याद रखना है खासीज फेस्टिवल जो की वहां की खासी ट्राइब होती है खासी आपने हिल्स भी सुनी होगी मेघालय में, में प्रेजेंट है तो खासी ट्राइब भी आपको मेघालय में मिलेंगी तो उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है खास इस फेस्टिवल इसको बोला जाता है और अगला है आपका वांगला त्योहार ये भी आपका मेघालय में मनाया जाता है अगला जो हमारा स्टेट है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश का जो पहला फेस्टिवल है वो जाएगा लोसर फेस्टिवल तो लोसर फेस्टिवल वैसे आपको एक दो दो तीन स्टेट में देखने को मिल सकता है ये बेसिकली आपका जो बुद्धिस्ट मठ होते हैं उनसे रिलेटेड ये फेस्टिवल है तो जहां जहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मठ मिलेंगे वहां वहां पे आपको ये फेस्टिवल देखने को मिल सकता है जैसे सिक्किम में मिलेगा या हिमाचल प्रदेश में भी लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी हो जाएगा आपका लोसर फेस्टिवल लेकिन एग्जामिनर जो होगा वो आपको ऑप्शन में एक ही स्टेट देगा जहाँ पे ये मनाया जाएगा तो वो आप आंसर कर पाएंगे अगला आता है सोलांग फेस्टिवल ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और फिर आता है आपका मारू फेस्टिवल ठीक है तो ये तीन महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएंगे अगला आता है त्रिपुरा त्रिपुरा की बहुत ही फेमस पूजा है खारची पूजा इसको बोला जाता है जो कि आपके एक ही फेस्टिवल है और ये आपको याद रखना है तो खारची पूजा इसका नाम हो जाएगा ठीक है अगला स्टेट आता है हमारा सिक्किम सिक्किम में पहला तो लोसर हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश सिक्किम या हिमाचल प्रदेश इन सब जगह ये मनाया जाता है तो लोसर फेस्टिवल हो जाएगा अगला आता है सागा दावा फेस्टिवल ये भी आपका सिक्किम में मनाया जाता है और लोसंग फेस्टिवल ये भी आपका सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है ये आप पिक्चर देख सकते हैं ज्यादातर जो त्यौहार होते हैं या तो ये आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं या पूजा से रिलेटेड होते हैं कोई भी पूजा या कोई भी तरीके से वहाँ पे फंक्शन करवाया जाता है तो तो ये फेस्टिवल होते हैं ज्यादातर आपके जो फेस्टिवल होंगे वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होंगे यानी कि जब फसल की कटाई होती है या फसल को जब बोते हैं तो तब ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं ठीक है अगला और हमारा अंतिम स्टेट है जो कि मिजोरम हो जाएगा मिजोरम का बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है चाप चारकुट महोत्सव इसको बोला जाता है ठीक है तो ये मिजोरम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और ये भी अगेन आपका क्वेश्चन बहुत बारी रिपीटेड हो चुका है एस .E. में तो चाप चारकुट महोत्सव इसको बोला जाता है जो की मिजोरम में मनाया जाता है ठीक है तो ये थे हमारे सारे स्टेट और उनसे रिलेटेड जो भी फेस्टिवल थे वो हमने सारे डिस्कस कर आई होप आपको चीजें याद हो जाएंगी और आप आपके एग्जामिनेशन में इनको आंसर कर पाएंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका अगर फेस्टिवल से कोई भी क्वेश्चन आता है और ऐसे इसे -से फ्रिक्वेंटली इसको पूछने लग गया है तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक ही हो जाता है बाकी इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस टेक बाय टेक केयर